नमस्कार दोस्तों, री नोटिफिकेशन आउट हुआ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए। तो चलिए इसका बात डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडिया के सिटीजन्स को इन्वाइट किया जाता है। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। ट्रेड मेट माइंस के लिए टोटल 60 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 24 वैकेंसीज है, एफ़ी के लिए 10 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 8 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 12 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 6 वैकेंसीज है। दोस्तों इफ ट्रेड के लिए ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 3 ईयर होगा। ब्लास्टर माइंस के लिए टोटल 100 वैकेंसीज है। आप यहां से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन इफ ट्रेड के लिए 2 ईयर होगा। ये दोनों ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास होने चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये दोनों पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ट्रेड वाइज। ओके, फीटर के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है, टर्नर में 5 वैकेंसीज है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 25 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन में 40 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 2 वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसीज है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है, सर्वेयर के लिए 5 वैकेंसीज है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए 2 वैकेंसीज है। टोटल 290 वैकेंसीज है। दोस्तों सीरियल नंबर 3 से 13 तक के लिए क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास होने चाहिए। टेक्निकल ITI कन्फर्म डिसिप्लिन में होने चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITI इलेक्ट्रीशियन में होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों एज 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। FCST कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन 10th और ITI जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। ITI के परसेंटेज का वेटेज 30% होगा और 10th का 70% होगा। और देखिए दो पोस्ट मेट माइंस एंड ब्लास्टर माइंस का वेट इज 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ओके, और दोस्तों अगर टू कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स है, सेम एज है, तो देखिए उन कैंडिडेट्स का कैटेगरी चेक किया जाएगा। ओके, और जिन भी कैंडिडेट्स का सपोज देट टू कैंडिडेट्स हैं और दोनों कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम है, तो देखिए जिन कैंडिडेट्स का एज ज़्यादा होगा वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 में आपको इसमें विजिट करना है एंड देन रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेप 2 में ये करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि फ़ोटो का साइज कितना के भी होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/12/2022 से 12/12/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट 31/12/2022 को रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ फिर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।